नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको नवरात्रि के लिए इस प्रकार का पोस्टर बनाना सिखाएंगे। जैसे कि अभी आपको सामने आप पर स्क्रीन पर ये पोस्टर दिख रहा होगा। अगर आप इस प्रकार का पोस्टर अपने मोबाइल से बहुत ही आसानी से बनाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको इस प्रकार का पोस्टर बनाना सिखाते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको नवरात्रि का पोस्टर बनाने के लिए इस पिक्सेल लैब ऐप की व्यवस्था को जो आपके पास सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगर आपके मोबाइल में ई वाला ऐप पहले से नहीं है तो आप से प्ले स्टोर से सर्च करके डाउनलोड कर लीजिए। मैं इसको पहले डाउनलोड करके जैसे ओपन करते हैं। देखिए, जैसे ही आप अपने मोबाइल में पिक्सेल लैब ऐप को ओपन करोगे आपके सामने यहाँ पर इस प्रकार का इंटरफेस होगा। सबसे पहले आपको न्यू टेक्स्ट को हटाना है। इसे हटाने के ऊपर आपको यहाँ पर डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और सिंपली आपको यहाँ पर ये ओके का बटन दिखेगा, आपको यहाँ पर ओके वाले बटन पर क्लिक कर देना है। देखिए, यहाँ पर न्यू टेक्स्ट हट चुका है। अब आपको यहाँ पर इस बॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर थोड़ा सा आगे जाना है। आगे जाने के बाद आपको यहाँ पर फ्रॉम गैली का ऑप्शन दिखेगा, आप यहाँ पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके फोन की गैली ओपन हो जाएगी। फोन की गैली में जाने के बाद आपको इस इमेज को सिलेक्ट कर लेना है। मनी इमेज पहले से बनाकर रखी जिससे आपको पोस्टर बनाने में बहुत ही आसानी हो। आप देखिए, आपको यहाँ पर स्टिक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देखिए, यहाँ पर ये इमेज आ चुकी है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। चलिए, सबसे पहले आपको बताते हैं कि आप इस इमेज को कहाँ से डाउनलोड करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर ये पोस्टर बनाना, फोटो लगाना सब कुछ बताएंगे। तो देखिए, आपको इस इमेज को डाउनलोड करने के लिए अपने मोबाइल में गूगल को ओपन करना है। देखिए, गूगल को ओपन करने के बाद गूगल में आपको यहाँ पर केवीएम टेक लिख कर सर्च करना है। जैसे मैंने यहाँ पर केवीएम टेक लिख दिया, केवीएम टेक लिख कर सर्च करना है और आपको यहाँ पर इसी पहली वाली वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। देखिए, यहाँ पर वेबसाइट ओपन जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। इस वेबसाइट में देखिए आपको यहाँ पर सभी तरीके के पोस्टर मिल जाते हैं, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। अब देखिए, आपको उस इमेज को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर सर्च बार पर क्लिक करना है। सर्च बार पर क्लिक करने के बाद सर्च बार में आपको यहाँ पर 446 लिख कर सर्च करना है। जैसे मैं यहाँ पर 446 लिख दिया, इस प्रकार से आपको यहाँ पर 446 लिखना है और आपको यहाँ पर सर्च का बटन दिखेगा, आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है। जैसे ही आप वहाँ पर सर्च करोगे आपको यहाँ पर ई वाला पोस्टर दिख जाएगा, आपको यहाँ पर इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। अब सिंपली आपको नीचे जाना है। नीचे जैसे आप नीचे जाओगे आपको यहाँ पर डाउनलोड लिंक मिल जाएगी। देखिए, आपको यहाँ पर लिखा भी दिख रहा होगा पोस्टर का डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। लेकिन अभी आपको यहाँ पर सेकंड चलती दिख रही हूँ। जैसे आप सेकंड खत्म होगी आपको यहाँ पर डाउनलोड का बटन मिल जाएगा। देखिए, जैसे आप सेकंड खत्म हुई डाउनलोड का बटन आ चुका है, आप सी डाउनलोड के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे वो वाली इमेज आपके फोन में डाउनलोड हो जाएगी। आपको इस इमेज को डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर आ जाएंगे तो आपको यहाँ पर इस प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर टेक्स्ट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। न्यू टेक्स्ट को यहाँ पर लेकर डबल टैप करना है। डबल टैप करके न्यू टेक्स्ट को हटा देना है और आपको यहाँ पर अपना नाम लिख देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर ओके वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर इस ए वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर थोड़ा सा आगे जाकर यहाँ पर कलर का ऑप्शन दिखेगा, आप यहाँ पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर कलर में व्हाइट वाला कलर सेलेक्ट कर लेना है। आप यहाँ पर जो भी कलर मर्जी है वो सिलेक्ट कर सकते हैं और आपको नाम को यहाँ पर रख देना है। इसके बाद थोड़ा सा आपको टिक यहाँ पर टिक करना है और आगे जाना है। आगे जाने के बाद आपको यहाँ पर बी वाला ऑप्शन दिखेगा, इस बी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर फिर से बी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके से बोल्ड कर देना है और आपको यहाँ पर टिक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देखिए, यहाँ पर नाम लिख चुका है। अब आप इसे अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर रख दिया है जैसे कि मैंने यहाँ पर नाम को लिखना बताया है। इस प्रकार से आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर भी लिख सकते हैं, जो कुछ भी लिखना चाहते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं। अब आपको यहाँ पर अपना फोटो लगाने के लिए इस प्लस वाले ऑप्शन पर फिर से क्लिक करना है और आपको यहाँ पर फ्रॉम गैली वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर फ्रॉम गैली वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे आपके फोन की गैली फिर से ओपन हो जाएगी और गैली से उस फोटो को सेलेक्ट कर लीजिए जिसको आप यहाँ पर लगाना चाहते हैं। देखिए, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर इस फोटो को सेलेक्ट कर लिया है। आप अपने फोटो को सेलेक्ट कर लीजिए और आप यहाँ पर इतना सेलेक्ट कीजिए और नीचे यहाँ पर टिक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। देखिए, फोटो यहाँ पर आ चुका, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। मैंने इस फोटो के पीछे का बैकग्राउंड कलर पहले से हटा रखा है। अगर अपने फोटो के पीछे का बैकग्राउंड कलर हटाना नहीं जानते हैं तो उस पर भी मैंने पहले से वीडियो बना रखा है। अगर आप वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएगी, वहाँ से क्लिक करके आप देख सकते हैं। अब आपको सिंपली फोटो को छोटा करके यहाँ पर लगा देना है। देखिए, जब आपका पूरा पोस्टर बन जाए तब आपको इसे सेव करने के ऊपर आपको यहाँ पर शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर सेव टू गैली वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे आपका पोस्टर आपके फोन की गैली में सेव हो जाएगा।